खबर ग्वालियर से है, जहां एक 10वीं के छात्र ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। छात्र को शाम को पिता स्कूल लेकर घर छोड़कर काम पर निकल गया था। छात्र की मां बहन मंदिर गए थे, इसी समय उसने पिता की राइफल लोड की और माथे पर नाल लगाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली छात्र का भेजा उड़ाते हुए निकल गई। गोली नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए लगी है। घटना गिरगांव के पास गौरी इनक्लेव की है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो छात्र प्लास्टिक की कुर्सी पर मृत पड़ा था। उसका सिर का ऊपर का हिस्सा गोली से उड़ चुका था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छात्र ने खुदकुशी क्यों की यह पता नहीं चल सका है। शहर के महाराजपुरा गिरगांव के पास गौरी इनक्लेव निवासी बादशाह सिंह गुर्जर प्रॉपर्टी कारोबारी हैं। उनका एक बेटा व बेटी हैं। बेटा 16 वर्षीय आदित्य 10वीं का छात्र है। सोमवार को 4 बजे बादशाह बेटे को स्कूल से लेकर आया और उसे घर छोड़कर अपने प्रॉपर्टी के काम से चला गया। आदित्य की माँ और बहन पास ही कुछ दूरी पर मंदिर में दर्शन करने चली गई थी। घर पर छात्र अकेला था। उसने घर के आगे वाले रूम में अलमारी में रखी पिता की 315 बोर की राइफल निकाली और उसे लोड किया। इसके बाद उसने खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज़ सुनकर आदित्य के घर के आसपास रहने वाले दौड़कर उसके घर पहुंचे तो छात्र कुर्सी पर पड़ा मिला। पास ही उसके पिता की राइफल पड़ी थी। आसपास दीवारों पर खून लगा था। छात्र का सिर के ऊपर का हिस्सा गोली से उड़ चुका था। दीवारों पर मांस के लोथड़े चिपके हुए थे। पड़ोसियों ने तत्काल बादशाह गुर्जर व पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही महाराजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल को निगरानी में लेकर जांच की है। जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने जांच के बाद सबको निगरानी में लेकर डेड हाउस पहुंचा दिया है। छात्र ने खुदकुशी क्यों की है, उसे क्या परेशानी थी और हाल ही में कोई विवाद हुआ था या नहीं, इन सवालों के पुलिस को जवाब चाहिए। लेकिन मृतक इकलौता बेटा था और उसके इस तरह खुदकुशी करने से पूरा परिवार गमगीन है, इसलिए पुलिस परिजन से पूछताछ नहीं कर पाई है। महाराजपुरा पुलिस का कहना है कि परिवार के सामान्य होने पर ही आगे की जांच की जा सकेगी।